A movie of yours that you would like to make again differently? Differently or remake? Remake as well, yeah. You can say that. Remake, I would say, I would not act in it, but I would like to make Cooler Kaate again. अजय देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जिन्होंने काफी शानदार फिल्में दिया है. ऐसे में क्या इनकी फूल और कांटे का रीमेक किया जाएगा और क्या फूल और कांटे रिटर्न्स के नाम से होगा? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स के साथ, सो वीडियो में तक बने रहिएगा. इस पर अजय देवगन ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये भी जानेंगे. तो दोस्तों, फूल और कांटे जो कि अजय देवगन की कैरियर की पहली फिल्म थी, फिल्म की बजट थी 3 करोड़ रुपए और लाइफ टाइम कलेक्शन रहा 12 करोड़ रुपए. मतलब पहली फिल्म ही इनकी ब्लॉकबस्टर गई. 90s की फिल्मों में से सबसे सुपर डुपर हिट थी ये फिल्म और इस फिल्म के सभी गाने इतने प्यारे लगते हैं कि लोग आज भी इसे सुनते हैं. ऐसे में दोस्तों, इनके किसी इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी आपकी फिल्म है जिसे आप रिमेक करना चाहोगे, तो इन्होंने बताया फूल और कांटे. और फिर इनसे पूछा गया कि वो जो बाइक वाला कॉलेज में एंट्री सीन था, जो कि एक तरह से कहा जाए तो इनका इंट्रोडक्शन ही था उस फिल्म में, उस सीन को आप करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे, बट 1 से 1.5 महीने प्रैक्टिस करने के बाद. अजय देवगन ने बताया कि इस फिल्म का रिमेक करना चाहता हूँ और लोगों को एक नए फ्लेवर के साथ इस फिल्म को दिखाना चाहता हूँ. अभी जब अजय देवगन ने खुद कहा है कि अगर कोई नहीं करेगा तो मैं जरूर करूंगा इसका रिमेक, जो कि फूल और कांटे रिटर्न्स नाम से रहेगा, तो हो सकता है कुछ न कुछ सोच के ही रखा है, इसलिए कहा है. क्योंकि भाई इन्होंने दृश्यम 2 की हिंट्स दी थी तो दृश्यम 2 भी रिलीज हुई, दृश्यम 3 की हिंट्स दी है तो वो भी आएगी ही आने वाले दिनों में, और फूल और कांटे की हिंट्स दी है तो हो सकता है जब भी इनको टाइम मिले तो जरूर ये स्टोरी बनाएंगे, और अगर कोई ना करे तो खुद ही डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब तो एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हो चुके हैं अजय देवगन, तो फिर दिक्कत किस बात की है. बाकी स्टोरी को आगे बढ़ाई जाएगी और क्लाइमेक्स इसका काफी दमदार होगा, क्योंकि क्वेश्चन करते ही बिना सोचे आंसर दिया है तो हो सकता है काफी कुछ सोचे होंगे इस फिल्म के बारे में. बाकी अगर अजय देवगन इसका रिमेक करते हैं तो काफी शानदार होगा यह फिल्म और देखने लायक होगा. तो आप कमेंट में बताइए कि क्या आप देखना चाहते हो या नहीं फूल और कांटे रिटर्न्स नए फ्लेवर के साथ. कमेंट्स नाउ. तब तक बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.